आज प्रेम प्रकाश मंडल आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की जिस पावन कथा को हम कहने जा रहे हैं वह बड़ी अलौकिक, अद्भुत और दिव्य है। इसको साधारण शब्दों में बयां करना सरल नहीं है, पर एक प्रयास किया जा रहा है सदगुरु महाराज जी की अनुकंपा से ही। मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा है कि इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ, इसे शेयर करो, पर आज मैं आपसे अवश्य कहना चाहूँगा, यह कथा हर प्रेम प्रकाशी को सुननी चाहिए, हर भक्त को सुननी चाहिए, हर सेवक को सुननी चाहिए, हर संत महापुरुष को सुननी चाहिए, यहाँ तक हर जीव को सुननी चाहिए। यह एक पावन कथा है गुरु और शिष्य के अद्भुत प्रसंग की। आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के जीवन की यह अलौकिक कहानी है। 4 दिन पूर्व मुझे यह कहानी प्राप्त हुई और इन 4 दिनों के अंदर कम से कम 15 से 20 बार मैंने इस कहानी का अध्ययन किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था इस कहानी का कोई भी अंश बताने में छूट जाए। गुरुदेव की कृपा से हमने एक प्रयास किया है जितनी सरलता से, सुगमता से इसे आप तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि यह एक अलौकिक कहानी है। आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के एक शिष्य हुए हैदराबाद में, जिनका नाम था मूरजमल। बड़े संपन्न इंसान थे। 1936 की घटना बता रहा हूँ, और इतनी संपन्नता थी उनके जीवन में, किसी चीज की कमी नहीं थी। बहुत बड़ा व्यापार था, व्यापार के लिए बड़े बड़े व्यापारी उनके पास आते थे, और उन्होंने अपना पैसा बड़े बड़े व्यापारों में लगा रखा था। जब भारत विभाजित नहीं हुआ था तब भी उनका व्यापार कराची, हैदराबाद, मुंबई, सिंध के अलग अलग प्रांतों में फैला हुआ था। पर मूरजमल जी आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के बड़े भक्त थे। उनके जीवन का एक नियम था, व्यापार में जितना भी फायदा पड़ता था उसका 10% वह हर वर्ष आकर अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित करके जाते थे। फिर वह फायदा लाखों में हो, हजारों में हो, कितना भी हो, पर उनका नियम पक्का था, वह 10% हर वर्ष अपने गुरु के चरणों में समर्पित करते थे। 1936 की घटना है। इस साल उनका व्यापार इतना बड़ा, उनको लाखों में फायदा पड़ा। अब जब लाखों में फायदा पड़ता है तो काम भी बढ़ जाता है। अब उन्होंने ऐसा सोचकर कि गुरुदेव के पास चैत्र मेले में जाना है, तो उन्होंने अपने गुरुदेव के लिए अपने मुनाफे के 10% 40,000 निकाल कर रखे, और मन में यह पक्का कर लिया जब गुरुदेव के पास जाएंगे तो देकर आएंगे। दिन निकलने लगे, चैत्र का मेला नज़दीक आने लगा। हर वर्ष जिस प्रकार प्रेम प्रकाश आश्रम की ओर से भक्तों को चिट्ठियां भेजी जाती थी कि आप मेले में आइएगा, मूरजमल जी के पास भी खत पहुंचा। पर कहते हैं ना, माया का बड़ा प्रभाव होता है। उस साल धंधा इतना था, इन्होंने खत तो देखा पर खत पढ़ के छोड़ दिया, और माया ने ऐसा रंग दिखाया उस वर्ष यह चैत्र मेले में गए ही नहीं। अब चैत्र मेला निकल गया, पर इन्होंने जो सदगुरु महाराज जी के लिए दक्षिणा निकाल के रखी थी वह उन्होंने अलग ही कर रखी थी। उन्हें था जब जाएंगे तब देकर आएंगे, पर परमात्मा भी अद्भुत लीला करता है। सिंधी 12 से 16 तारीख के अनुसार हर वर्ष चैत्र में मेला लगाया जाता है। जैसे ही यहाँ टंडे आदम अमरापुर दरबार पे मेला संपूर्ण हुआ, वहाँ हैदराबाद के प्रेमी मूरजमल जी जो आते थे हर वर्ष, इस वर्ष आए नहीं। वहाँ पर दूसरे दिन उनके बेटे की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने लिखा है उसमें, वह तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हुई, 2 महीने तक मूरजमल जी ने बहुत पानी की तरह पैसा बहाया,
अपने पुत्र को ठीक कराने के लिए, पर कहीं से कोई इलाज नहीं मिला। वह कराची गए, हैदराबाद गए, बड़े से बड़े डॉक्टर, हकीमों, वैद्यों सबको दिखा दिया, पर कहीं से कोई फायदा नहीं पड़ा। अब 16 साल का उनका पुत्र मेघराज, जिसका नाम था, वह रात को असहनीय पीड़ा को सहन कर रहा था, तभी अचानक से उसे नींद आई और जैसे ही प्रातःकाल होने वाला था वह चिल्लाकर उठा। माता पिता उसके नज़दीक सोए पड़े थे और जैसे ही उठा और कहने लगा, हे पिताश्री, मुझे गुरुदेव के पास ले चलो, मुझे अमरापुर दरबार पे ले चलो, सतनाम सखी, सतनाम सखी, मुझे अमरापुर दरबार ले चलो। जब मेघराज ने इस प्रकार कहा तो मूरजमल को याद आ गया, अरे इस वर्ष तो मुझसे भूल हो गई है, मैं हर वर्ष चैत्र मेले पर जाता हूँ, गुरुदेव के दर्शन करके आता हूँ, पर इस बार चैत्र मेले पर गया नहीं हूँ। और जैसे ही वह मेला मुझसे रह गया है, उसके दूसरे दिन से ही मेरे पुत्र की तबीयत खराब हो गई है। अब मुझे जल्दी से जल्दी चलकर गुरुदेव के दर्शन करके आने हैं। ऐसा सोचकर वह अपने गांव टंडे बागे से परिवार सहित अपने पुत्र को गोदी में लेकर निकला है आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के दरबार पर आने के लिए। आज वह मूरजमल अपने पुत्र मेघराज को गोदी में उठाकर सद्गुरु टेऊराम महाराज जी के दरबार पर लेकर आया। सद्गुरु महाराज मिले और पूछने लगे, कैसे हो? मूरजमल ने अपने पुत्र को सद्गुरु महाराज जी के चरणों में रखकर कहा, हे गुरुदेव, अब दया कीजिए, अब आप ही रक्षक हैं। मैंने बहुत इलाज कराए हैं, बहुत डॉक्टरों को दिखाया है, बहुत हकीमों को दिखाया है, अब आप दया करो। तब सद्गुरु महाराज ने मुस्कुराते हुए मेघराज के मस्तक पर हाथ रखा और उस कृपा ने ऐसा असर दिखाया, जो मेघराज की असहनीय पीड़ा थी ना, वह उस समय ही शांत हो गई। सद्गुरु महाराज ने कहा, अब कुछ दिन यहीं रहकर विश्राम करो, संतों का सत्संग सुनो और भगवान की भक्ति करो। मूरजमल की आंखों से आंसू आ रहे थे। वह सद्गुरु महाराज जी से कहने लगे, हे गुरुदेव, मुझसे बड़ा अपराध हुआ है, मैं हर वर्ष आपके मेले में शामिल होता हूँ, पर इस वर्ष नहीं आ सका, और देखो नहीं आने के कारण मेरे पुत्र की तबीयत खराब हो गई है। सद्गुरु महाराज ने कहा, मन में ऐसा विचार नहीं करो, सब अच्छा हो जाएगा। मूरजमल इस प्रकार सद्गुरु महाराज जी से क्षमा मांगने लगा। सद्गुरु महाराज जी कहने लगे, आप चिंता नहीं करो, परमात्मा सब अच्छा करेगा। तब किसी संत जी को कहकर सद्गुरु महाराज ने उन्हें स्थान दिलाया। मूरजमल आश्रम पर रहा और जैसे ही शाम का समय हुआ, जब सद्गुरु महाराज ने सत्संग प्रारंभ किया, जो मेघराज हाथों में उठाकर लाया गया था, वह अपने पैरों से चलकर सत्संग हाल तक आया। जैसे ही दूसरा दिन हुआ, सद्गुरु महाराज की ऐसी कृपा हो गई, वह मूरजमल का पुत्र मेघराज स्वतः ही चल के सद्गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करने आया और कहने लगा, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ। मेघराज को ऐसे चलते देख मूरजमल भी सद्गुरु महाराज जी के नज़दीक आए और कहने लगे, हे कृपा निधान, आपकी कृपा से मेरा पुत्र बिल्कुल ठीक हो गया है, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। तब सद्गुरु महाराज ने कहा, कहिए क्या विनती है? तब मूरजमल कहने लगा, हे गुरुदेव, मैं अपने व्यापार से हर वर्ष 10% आपकी दक्षिणा के रूप में निकालता हूँ, इस बार भी मैंने दक्षिणा के रूप में आपके लिए कुछ थोड़ा धन निकाला है, वह आप स्वीकार कीजिए। यहाँ सद्गुरु महाराज जी का त्याग देखिएगा। सद्गुरु महाराज कहने लगे, हमें धन की क्या आवश्यकता है, आप इसे सदुपयोग में लगाइएगा। तब मूरजमल कहने लगा, महाराज, इस बार मेरा व्यापार बहुत अच्छा हुआ है, यह 40,000 और चांदी के बर्तन मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आप ध्यान रखना, 1936 का साल है, 40,000 की रकम है,
कितनी बड़ी रकम होगी उस समय। पर सद्गुरु महाराज ने कहा, हमें इनकी आवश्यकता नहीं। महापुरुषों ने एक दोहा कहा है, शिष्य तो ऐसा चाहिए सर्वस्य गुरु को दे, गुरु भी ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ ना ले। शिष्य कैसा होना चाहिए? अपने गुरु को सब कुछ समर्पित कर दे। और गुरुदेव कैसे होने चाहिए? उनके मन में शिष्य की वस्तुओं के प्रति कोई कामना ही ना हो। यह ऐसा प्रसंग है। शिष्य कहने लगा, गुरुदेव यह 40,000 आप सदुपयोग में लगाइए। हम अगर विचार करें ना, उस समय के 40,000 इस समय की कितनी बड़ी रकम हो जाएगी। पर सद्गुरु महाराज ने कहा, हमें आवश्यकता नहीं है। वह कहने लगा, महाराज ये आपकी है, आपको ही सदुपयोग करना है। आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊंराम महाराज कहने लगे, इसका सदुपयोग आप धर्मार्थ के काम में लगाइए। तब वह हाथ जोड़कर कहने लगा, हे गुरुदेव मैं इसे लेकर तो नहीं जाऊंगा, यह आपके पास ही रहे। जब इस प्रकार मूरजमल ने कहा तो सद्गुरु महाराज ने कहा, हम क्या करेंगे? तब मूरजमल कहने लगा, महाराज आश्रम के निर्माण में लगाइए, आपको जैसा सही लगे वैसा कीजिए। तब सद्गुरु महाराज ने कहा, हमारा मन है यहाँ पर एक गेट बनाया जाए, मुख्य द्वार बनाया जाए, और वह द्वार ऐसा हो जो हिंद और सिंध के लोगों के मन को आकर्षित कर ले। मूरजमल ने कहा, महाराज आपकी आज्ञा स्वीकार की जाएगी, आप जैसी आज्ञा करेंगे वैसा ही द्वार यहाँ बनाया जाएगा। सद्गुरु महाराज ने कहा, आपकी ऐसी इच्छा है तो यह धन जाकर हमारे कोठारी चंदन राम जी को दे दीजिए, उनसे सलाह करिए कि किस प्रकार द्वार बनाया जाएगा। सेठ मूरजमल चंदन राम जी के पास आए और उन्हें बताने लगे, सद्गुरु महाराज ने आज्ञा दी है एक मुख्य द्वार बनाया जाए, अब उसका निर्माण कैसे होगा आपसे सलाह करनी है। चंदन राम जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, सद्गुरु महाराज जी को जिस द्वार की कामना है ना, उसके कारीगर यहाँ तो नहीं है, पंजाब में वैसे गेट बनाए जाते हैं, पंजाब के जो द्वार बनते हैं वह बड़े सुंदर होते हैं, हम वहाँ के भक्तों से सलाह करते हैं, फिर वहाँ से कारीगर मंगाए जाएंगे। मूरजमल कहने लगा, जैसे आपको सही लगे। तब चंदन राम जी ने कहा, हम यह कार्य इस बरसात में तो नहीं, बरसात के बाद जब कार्तिक का महीना प्रारंभ होगा तब यह कार्य प्रारंभ करेंगे। मूरजमल कहने लगे, जैसे आपको सही लगे, आप मुझे इतलाह कर दीजिएगा, मैं अपने परिवार सहित यहाँ पर सेवा पे आ जाऊँगा। इस प्रकार चंदन राम जी को दक्षिणा दे कुछ दिन आश्रम पर रहकर मूरजमल जी अपने घर आ गए। अब जैसे ही मूरजमल जी अपने बेटे को लेकर अपने गांव पहुँचे, गांव के सभी लोग सेठ मूरजमल जी का स्वागत करने लगे। उस स्वागत का कारण था कि सारे गांव वाले कहने लगे, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे गांव का एक व्यक्ति आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊंराम महाराज जी का दर्शन करके आया है। इतनी धाक थी, इतनी साख थी आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊंराम महाराज जी की संपूर्ण हिंद में और सिंध में, उनके नाम को सुनकर ही लोग नतमस्तक हो जाते थे। मूरजमल जी के परिवार का स्वागत किया गया, मूरजमल अपने घर आए, पर काल चक्र को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, थोड़े समय बाद ही मूरजमल जी का शरीर शांत हो गया। यह खबर उनके पुत्र मेघराज ने आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊंराम महाराज जी के पास पहुंचाई। सद्गुरु स्वामी टेऊंराम महाराज जी मंडली सहित मूरजमल जी के 12वें की रसम पर आए। तब मूरजमल जी का पुत्र मेघराज कहने लगा, हे गुरुदेव अब पिताजी का शरीर तो शांत हो गया है, यह मेघराज आपकी सेवा में हाजिर है, आप जो आदेश करेंगे उसका पालन किया जाएगा। तब सद्गुरु महाराज ने कहा, जब मुख्य द्वार का कार्य प्रारंभ हो तब आप भी आकर वहाँ रहिएगा और ध्यान करिएगा। मेघराज ने कहा, गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा।
इस प्रकार कहकर सद्गुरु महाराज जी तो पुनः अमरापुर दरबार पर आ गए। जैसे ही कार्तिक का समय आया, चंदन राम जी ने एक तार लिखकर मेघराज जी को अपने पास बुलाया। उसमें लिखा था, आप आइए, हम गुरुदेव की आज्ञा से अब मुख्य द्वार का कार्य प्रारंभ करेंगे और कारीगर भी कुछ यहाँ मंगा लिए गए हैं। मेघराज जी खत को पढ़कर आश्रम पर आए और जैसे ही अमरापुर दरबार पर पहुँचे, मेघराज ने सदगुरु स्वामी टेवराम महाराज जी को प्रणाम किया। सदगुरु महाराज जी मुस्करा कर कहने लगे, आप आ गए, आपका स्वास्थ्य ठीक है, घर पे सब कुछ कैसा चल रहा है? तब मेघराज कहने लगे, हे गुरुदेव, सब आपकी कृपा से बहुत अच्छा है, आपकी कृपा सदा हमारे ऊपर बनी रहे, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। सदगुरु महाराज ने पूछा, आपसे चंदन नाम का मिलना हुआ? तब वह कहने लगे, हे गुरुदेव, हमारा मिलना हुआ है, उन्होंने मुझे कुछ नक्शे दिखाए हैं, पंजाब के कारीगरों ने मुख्य द्वार के कुछ नक्शे बनाए हैं, वह हम आपको दिखाना चाहते हैं। सदगुरु महाराज ने कहा, दूसरे दिन उन्हें देखा जाएगा। एक दिन व्यतीत हुआ, दूसरे दिन प्रातःकाल मेघराज चंदन राम जी के साथ सदगुरु महाराज जी के पास मुख्य द्वार का नक्शा लेकर आए। आचार्य सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज मुख्य द्वार का नक्शा देखकर प्रसन्न हो गए और कहने लगे, यह द्वार बड़ा ही अद्भुत बनेगा, जो इसके दर्शन करेगा उसका मन प्रसन्न हो जाएगा। यह सदगुरु महाराज जी के शब्द थे। तब नक्शे को देखकर सदगुरु स्वामी टेवराम महाराज ने कहा, इस मुख्य द्वार को बनने में तो लाख और सवा लाख के बीच खर्चा आएगा। तब उनकी बात सुनकर मेघराज कहने लगा, गुरुदेव, आप क्यों ख्याल करते हैं, यह मेघराज आपके चरणों में सदा उपस्थित है, सारा खर्चा मैं करूँगा। तब आचार्य श्री ने कहा, नहीं, आपने जितना धन दिया है उतना ही खर्चा आप करोगे, बाकी खर्चा हमारा मंडल करेगा, हमारे संत करेंगे। तब मेघराज कहने लगा, हे गुरुदेव, यह मेघराज के जो पैसे हैं वह किसके हैं, वह भी तो आपके हैं, आपकी कृपा से ही तो सब कुछ प्राप्त हुआ है, वह सब आपके चरणों में ही निवेदित हैं। मेरे मन की इच्छा है, जितना भी खर्चा होगा वह मैं करूँगा। सदगुरु महाराज ने नक्शा देखा और नक्शा देखकर बड़े प्रसन्न हुए। कार्य प्रारंभ हुआ मंदिर के मुख्य द्वार का। उस मुख्य द्वार का निर्माण होने में 3-4 वर्ष का समय लग गया। कभी काम चलता, कभी काम स्लो हो जाता, इस प्रकार वह काम चलता ही रहा और जैसे जैसे निर्माण होता गया, लोग उसे देखने आते और उस मुख्य द्वार को देखकर उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता, क्या तो द्वार बना है। ऐसा अमरापुर दरबार का यह द्वार, जिसे देखकर ही मन प्रसन्न हो जाता है। कुछ वर्ष लग गए श्री अमरापुर दरबार के मुख्य द्वार के निर्माण में और इतने में 1942 में आचार्य सदगुरु स्वामी टेवराम महाराज जी का यह पंचभौतिक शरीर ब्रह्म में लीन हो गया। उसके पश्चात सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी की अध्यक्षता में उस मुख्य द्वार पर हस्तशिल्पी का कार्य चलता ही रहा और 1945 में उस द्वार का कार्य संपूर्ण हुआ। इतने वर्ष लग गए मुख्य द्वार का निर्माण और संपूर्ण कार्य होने में। जब वह द्वार बनकर तैयार हो गया तो आप एक बात याद रखिएगा, सदगुरु टेवराम महाराज जी ने जब नक्शा देखा था तब नक्शा देखकर क्या कहा था, इस मुख्य द्वार का निर्माण होने में लाख से सवा लाख के बीच खर्चा आएगा। वही बात सच साबित हुई। जब मेघराज जी ने पूरा हिसाब लगाया तो खर्चा उतना ही आकर बैठा, लाख और सवा लाख के बीच में। सदगुरु महाराज जी की यह वाणी सच साबित हो गई। मेघराज जी द्वार को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। जो भी महापुरुष संत उस समय आचार्य श्री के दरबार पर आते थे, वह मुख्य द्वार को देखकर प्रसन्न हो जाते थे। ऐसे उस मुख्य द्वार की शोभा थी, सिर्फ हिंद में नहीं, सिंध में भी आचार्य सदगुरु स्वामी टेवराम महाराज जी के पावन आश्रम
श्री अमरापुर दरबार की मुख्य दरबार की महिमा होने लगी। 1947 में भारत का विभाजन हुआ। भक्त मेघराज जी अपने परिवार सहित कानपुर में आके रुके। अभी तक उनके परिवार के कुछ सदस्य कानपुर में हैं, मुंबई में हैं, भारत से बाहर भी उनके परिवार के सदस्य रहते हैं। पर जिन्होंने यह कहानी लिखी या जिन्होंने भेजी है, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य सद्गुरु स्वामी टेउरा महाराज जी के जीवन की यह त्यागमय कहानी है। जब शिष्य सब कुछ देने को तैयार है, धन पदार्थ, तब गुरु कैसे ब्रह्मनिष्ठ हैं, उन्हें लेने की आसक्ति नहीं। और वह शिष्य कितना पावन है, मन में संकल्प लिया मुझे गुरु जी के लिए निकालना है, और मन के संकल्प से हटा नहीं। जो मूरज मल जी का संकल्प था मुझे गुरुदेव के पास जाना है, उन्होंने पहले ही धन निकाल दिया। किसी कारणवश वह आ न सके वो अलग बात है, पर ऐसे सच्चे शिष्य जिनकी निष्ठा इतनी पक्की थी, गुरुदेव सदा उनके साथ रहते हैं। और जिन्होंने इस कहानी को शब्दों में लिखा, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहानी मुझे सिंधी देवनागरी में लिखी प्राप्त हुई थी। जिन्होंने इस कहानी को संजोए रखा, जिन्होंने इस कहानी को लिखकर रखा, जिन्होंने इस कहानी को लिपिबद्ध किया, उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहानी इतनी अद्भुत लगी मुझे, मैं तो आपसे एक ही बात कहूँगा, गुरु शिष्य की यह कहानी बड़ी अलौकिक है। इसे आप भी सुनिएगा, औरों को भी सुनाइएगा, पता चले हमारे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेउरा महाराज जी की दिव्यता कितनी अलौकिक थी। संसार के पदार्थों के प्रति उनकी आसक्ति नहीं थी, और उनकी जो भविष्य की नज़र थी वह इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया कि इस मुख्य द्वार पर इतना खर्च आएगा, और अभी तक वह मुख्य द्वार सिंध में स्थापित है। और ऐसा ही मुख्य द्वार अभी पूज्य गुरुदेव स्वामी भगत प्रकाश महाराज जी द्वारा खैरथल आश्रम पर निर्माण किया जा रहा है, वैसी ही छटा है, वैसा ही अद्भुत दृश्य है। आपको अगर मौका मिले तो कभी अवश्य देखकर आइएगा। तो आचार्य सद्गुरु स्वामी टेउरा महाराज जी की यह पुण्यमयी कहानी बड़ी पावन है, जिसे मैं सुनकर बड़ा प्रसन्नचित हो गया था। मेरा प्रयास था कि आचार्य सद्गुरु स्वामी टेउरा जी की महानता की यह दिव्य कहानी आप तक भी पहुँच सके। आप अवश्य सुनिएगा और इसमें प्रेरणादायक जो लगे अपने जीवन में उतार लीजिएगा। उन महापुरुषों के हर गुण हमारे जीवन को संवार सकते हैं। हमारा प्रयास रहे उन महापुरुषों के जीवन से कुछ ग्रहण करने का। वह तो दिव्य हैं, वह अलौकिक हैं, उनके चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।